बम्बई की सरजमीन पर अपन अन्ना सेठ की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं गुरु। कौन है तू? तनी है नाम हमारा। अबे पूरा गाना गाएगा क्या? अरे पूरा गाना गाने वो किसके पास टाइम है गुरु, अपन तो मुकड़े से काम चला लेता है और आपका मुकड़ा देख के तो मूड आ गया अपन को। बहुत पक पक करता है तू। करना पड़ता है, बम्बई है जिसके पास बोल बच्चन है वही तो अमिताभ बच्चन है। क्या चल, चल सामान उठा। सामान उठाऊ मैं? हरियत आओ उस्ताद, चल सामान उठा और दरिया में डाल। दरिया? दरिया अपनी गाड़ी का नाम है, पानी की तरह चलती है। रोक रहे हरिया। आओ गुरु आओ। आओ गुरु, कैसा लगा? ये क्या है? अरे भाई अपन गुरु रहने को तो फाइव स्टार होटल में रह सकते हैं, पर क्या बॉस का ऑर्डर है कि आपको ऐसी जगह रुकाने का जहाँ पर काले कव्वे को आप पे शक नहीं होना चाहिए। वैसे मोहल्ला दिखने में महिला कुचला लगता है पर अंदर से बहुत अच्छा है गुरु, गरीब के दिल के माफी, न छल है न इनमें कपट है, बिल्कुल सच्चा। अंदर की औलाद। अरे एक मिनट एक मिनट, नहीं सर ये पागल है, मेंटली है बिल्कुल, इसको पागल खाने का भी लेके आ रहा हूँ, पागल खाना इसको बाहर निकाल दिया साहब। क्या करें, किसी ने उसका कान काट लेता है, डॉक्टर का टाइट लेता है, दवा तो खाता नहीं, दुआ का असर हो नहीं। इसका ठीक तरह से इलाज करा और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, इसे मेरे पास लेके आना। बड़े बड़े राजनीतिक पागल मैंने ठीक किए हैं, ये तो सिर्फ पागल है। चलो चलिए। थैंक यू साहब। बाल बाल बच गए भाई। हे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपने गुस्से की बोतल पे शांति का ढक्कन लगा ले मेरे भाई, नहीं तो दिल पटाखे की तरह उड़ जाएगा और अपना कब बम्बे में अपने गुरु को ढूंढते रह जाएगा। मालूम है तू किससे पंगा ले रहा था? बहुत डेंजर लोग है भाई, पहले तो मार डालते हैं, लुड़का देते हैं, फिर पूछते हैं क्या क्या था इसने। अरे भाई जगपति भवानी इसका नाम है, मिनिस्टर है, राजनीति की शॉल ओढ़कर सारे गैर कानूनी काम इतने कानूनी तरीके से करता है कि जब कानून उस पर हाथ डालता है तो उनके हाथ में सिर्फ शॉल आता है, वो नहीं आता। फिर भी मिनिस्टर? हाँ। ये देखो ये टोनी हुआ पता नहीं किस गुंडे मवाली को यहाँ ले आया हमारी बस्ती। आपको तो हर आदमी गुंडा मवाली नजर आता है। क्या कहा? सोने का बंगला चांदी का बंगला। क्या गुरु कैसा लगा आपने हवा महल? ये कोई रहने की जगह है? यहाँ तो कबूतर का भी दम घुट जाए मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे ये बम्बई है गुरु, बम्बई, यहाँ के लोगों को कबूतर के घोंसले जितनी खोलियों में रहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि मालूम है क्या, क्योंकि उनको मालूम है, ये भाई उनको मालूम है कि पैर फैला के अगर सो सकते तो सिर्फ कब्र में, और ये कब्र इतना गया गुजरा भी नहीं भाई साहब, चार पांच मुर्दे आराम से पैर फैला। क्या बोला मैं? हमारा घर तुमको ग्रेवयार्ड लगता है? चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हमको ऐसा पेइंग गेस्ट नहीं मांगता जो हमारा घर को कब्र बोलेगा। हमारा घर कब्र है क्या समझता? आप तो बगैर ब्रेक के गाड़ी के माफिक शुरू हो गया है, आप सुनो तो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था, क्या? मैं इसको समझा रहा था, ऐसा शानदार घर अक्का बम्बे में तेरे को नहीं मिलेगा। राइट। हाँ, ऊपर से अपनी ये ग्रेट सिस्टर ऐसा ख्याल रखेगा जैसे शेर भी अपने बच्चे का। बस अभी जास्ती मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम किसी का ख्याल बैल नहीं रखता, उल्टा उसको हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस, तुमको यूज करने का वास्ते बस यही शुरू मिलेगा, लाइट बिल आधा आधा, टेलीफोन करते ही ₹2 वो टेलीफोन का डिब्बा में डाल देने का, नो चीटिंग, सुबह हम बैठती रहेगा, उसके बाद तुमको खाना पीना भाग करने का, हमारा किचन में खाना बनाना नॉट अलाउड, रात का 10 बजे का बाद में घर में नो एंट्री। साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये, पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई, तू तो ऐसे है ना। हाँ। आ गया बाप, मारेगा तूने ना। शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओ, बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब,
और मुझे बेहूदगी बर्दाश्त नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब। मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स, एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबाना आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा, अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, सर मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है, मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को। भगवान कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूं, मैं रोज आधा घंटा एक घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूं। मैं सोशल वर्कर हूं सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं 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 नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो। अवलदार, ये सर, इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलो, कोना पकड़ के खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के कुत्ते कुत्ते कुत्ते। एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते भोग भोग, हट हट, देख लूंगा तेरे साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई ये औरतें, यहां जानती है कहीं, पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचानने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे ये कौन है? ये ले या ले या ले या ले, नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचाना, कोई पहचाने का नहीं मुझे। टोनी इसको क्या हुआ? अरे टोनी तुम ये क्या? सिस्टर आपने मेरे को पहचान लिया, आपकी नजर का जवाब नहीं है, यू आर ग्रेट। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग, जॉगिंग। जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो कौन है? तर्जन, तर्जन, तर्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लफड़ा देके चला गया। अरे पर मैं उसमें तुम मुंह काई को काला किया हा? अरे सच्ची बात बताते हुए शर्माती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी, जाके नहा धो ले। मैंने ये क्या बोलता है, अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है, बेवड़ा है। हमको भी लगता है। कुछ करो मैं। बकरी